नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Redmi 6 Pro के MIUI 12 के इंडिया स्टेबल अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कल वीडियो बनाया था जिसके बारे ऊपर मैंने बताया था कि यहाँ पर Redmi 6 Pro को यहाँ पर MIUI 12 का इंडिया स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है। मगर दोस्तों, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अपडेट रोल बैक होता है, उसके अपडेट सस्पेंड भी हो गया, जिसका वजह से दोस्तों मैंने यहाँ पर लिंक दिया था आपको, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि लिंक से आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो उस वो हुआ क्या दोस्तों, पहले शुरू में जब सस्पेंड नहीं हुआ था अपडेट, उस समय जिसने भी लिंक से अपडेट किया उनका हो गया अपडेट, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा है कि भाई अपडेट हो चुका है हमारा, थैंक यू, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपडेट क्या हुआ कि सस्पेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि अपडेट सस्पेंड हो गया, और आपको पता होगा दोस्तों कि अपडेट जब भी सस्पेंड होता है तो डाउनलोड लिंक से भी वो अपडेट नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो भी बनाया था, और उससे पहले मैंने एक Redmi Note 7 के ऊपर भी वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने खुद से ट्राई किया था, मैंने खुद से अपने फ़ोन से ही डाउनलोड किया था, अपडेटर से डाउनलोड किया था, ठीक है। अपडेटर में अपडेट आया था जो कि पूरा 100% डाउनलोड हो चुका था और रेडी टू अपडेट हो चुका था, मगर मैंने उसे अपडेट नहीं किया था। उसके बाद हुआ क्या था दोस्तों कि वो अपडेट जब सस्पेंड हो गया, उसके बाद फिर इस तरह से ताला का आइकॉन आने लगा। तो इस तरह से जब सस्पेंड हो जाता दोस्तों, उसके बाद आप लिंक से डाउनलोड करोगे, लिंक से अपडेट करोगे तो भी अपडेट नहीं होगा, इस तरह से बताएगा जैसे कि लगेगा कि वो इस फ़ोन का रोम है ही नहीं, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो उसी टाइप का बहुत सारे लोगों का आ रहा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई फेक वीडियो बना रहा है, यहाँ पर फेक लिंक है, ये रियल लिंक नहीं है, गाली ग्लोज भी बहुत सारे लोग कमेंट में कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका जो डेटा है वो बर्बाद नहीं हुआ है, ठीक है। जब भी ये अपडेट वापस से मिलेगा, उस समय उसी लिंक से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसी डाउनलोड जो फाइल है उसको डिलीट मत कीजिए, उसी फाइल से आपका अपडेट हो जाएगा। अगर सेम वर्जन का अपडेट आएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। और अगर वर्जन चेंज हो जाता है तब नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप अपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि अपडेट सस्पेंड हो चुका है तो लिंक से आपका अपडेट नहीं होगा, ठीक है। और आपको भी दोस्तों पूछना चाहिए मुझसे कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप लोग को भी अपना ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दिया कि यहाँ पर अपडेट सस्पेंड हो चुका है Xiaomi की तरफ से, जो कि हर अपडेट सस्पेंड हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर Redmi Note 7 का खुद मैंने यहाँ पर जो अपडेट मैं यूज़ कर रहा हूँ 11.10, ये खुद सस्पेंड हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि ये खुद सस्पेंड हुआ अपडेट है। तो यहाँ पर दोस्तों Xiaomi का भी हर अपडेट सस्पेंड हो रहा है, तो अगर आप जल्दी से करोगे तभी अपडेट होगा, नहीं तो फिर वो अपडेट सस्पेंड होना ही है। हर अपडेट Xiaomi का सस्पेंड हो रहा है, मतलब कि अच्छे से वो अपडेट बना ही नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा घटिया अपडेट आजकल बना रहा है, जिसका वजह से फ़ोन भी लेग कर रहा है, हैंग कर रहा है, हीटिंग इशू बढ़ जा रहा है, पबजी नहीं चल रहा है, फ्री फायर नहीं चल रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रहा है Xiaomi के अपडेट में। इसीलिए दोस्तों मुझे लग रहा है कि Xiaomi का फ़ोन, अब मैं नेक्स्ट कोई भी फ़ोन लूँगा तो Xiaomi का फ़ोन नहीं लूँगा, इस टाइप का मुझे लग रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ मैं Xiaomi के अपडेट से, जब से यहाँ पर MI से Redmi में भी मतलब चेंज हो गया, तब से इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कि जब से Redmi 7 सीरीज आया तब से ये प्रॉब्लम Xiaomi में देखने को मिल रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें भी हो रहा है, यूजर्स को भी हो रहा है, सभी को प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना दोस्तों, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है अपडेट से रिलेटेड तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।